हैं इसे नवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज ना मैं अपने बगीचे से मैया जी के लिए फूल तोड़ के ला रही हूँ। ये हैं गेंदे के फूल, इनकी ना मैं अच्छी सी माला बनाऊंगी मैया जी के लिए। और ये हैं पत्ते, अब मैं सबसे पहले कलश स्थापना कर लेती हूँ। मैया जी के लिए मैंने अच्छी सी फूलों की माला बना ली है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने, सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। पूजा मेरी पूर्ण हो गई है, अब मैं आपको भी अपनी मैया के दर्शन कराती हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह 5 बजे उठ के ना मैंने सारे काम कर लिए हैं, पूजा भी मेरी हो गई है। मैं सोची थी कहीं आज दूर मंदिर जाएंगे, छुट्टी भी है, लेकिन अमन की ना 12 बजे से शिफ्ट है। अब दूर तो नहीं, पास के मंदिर में तो जाएंगे, बिना मंदिर जाए भी अच्छा नहीं लगता है। पास के मंदिर में पहले से ना टीका चंदन से आराम से पूजा हो जाती थी, जब से नया मंदिर बना है तब से टीके वगैरह से ना पूजा करना तो मना है। मंदिर में जाएंगे, मैया जी के दर्शन करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में चलिएगा। अब मैं जा रही हूँ किचन में, अमन के लिए नाश्ता बना देती हूँ। मेरा ना फास्ट है, अब मैं सोच रही हूँ हल्का फुल्का क्या बनाऊं, पोहा ऑप्शन में बसता है, तो मैं अमन के लिए बना रही हूँ पोहा। अमन ना आगे आगे चले गए हैं, मेरे इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों निकल रहे हैं मंदिर के लिए। पूजा का सामान ना वहीं मंदिर के आसपास मिल जाता है, तो वहीं से सामान लेके हम लोग पूजा कर लेंगे। मंदिर जाने से पहले मैं अमन के लिए पोहा बनाकर रखे गई थी, अब अमन को दे देती हूँ। फाइनली आज का काम मेरा पूरा हो गया है, 12 बज गए हैं, अमन की ना शिफ्ट भी शुरू होगी, उसको मैंने नाश्ता करा दिया था, अब ना मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। अभी ना दोपहर के 3:30 बज गए हैं और मैंने थोड़ी देर आराम किया, अब दिन का मैंने खाना भी बना दिया है अमन के लिए। अब मुझे मार्केट जाना है, मैं मार्केट के लिए फिर से तैयार होगी, अब मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। बाजार से ना मैं अभी घर पहुंच रही हूँ, 6:30 हो गए हैं, बाहर अंधेरा भी हो गया है। 3:30 बजे मैं घर से निकली ना, बाजार में बहुत रस था, टाइम लग गया, और मुझे ना आज एक जगह कीर्तन में भी जाना था, और मैया रानी ने चाहा तो कल से जाऊंगी, आज तो अब गई नहीं। अब मैं किचन में जा रही हूँ, मैया जी का भोग बनाऊंगी, इसके बाद मैंने करनी है पूजा। भोग में मैं बना रही हूँ हलवा, आज ना मैं कुछ अलग तरीके से हलवा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी, 1/2 चम्मच सौंफ लिया है, और इसमें सूजी डाल के इसको ना मैं ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूँगी। ऊपर से मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी, और ड्राई फ्रूट्स मैंने कुछ कट किए थे वो डाल रही हूँ। ये देखिए, इसको अच्छे से जब तक खुशबू ना आ जाए तब तक भूनिए। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूध, अभी मैंने दूध को बॉयल किया था, तो दूध गर्म ही है, गर्म दूध में इसमें डाल रही हूँ, अब इसको अच्छे से पकने दूंगी। कभी आप भी बना के देखें ना, बहुत टेस्टी बनता है इससे हलवा, दूध डालिए आप लोग भी। ये देखिए हलवा मेरा बनकर तैयार हो गया है, कढ़ाई गर्म हो गई थी, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, और ये देखिए हलवा भी हमारा प्रसाद का बनकर तैयार हो गया है। पूरियाँ ना मैंने पहली बेल के रख दी थी, अब मैं फटाफट पूरियाँ तल लेती हूँ। पहली पूरी मैं निकाल रही हूँ गोगरास के लिए, इसके बाद मैं बना रही हूँ मैया जी के भोग के लिए। आज है पहली नवरात्रि, पहली नवरात्रि के दिन गाय के घी से बना हुआ भोग लगाना चाहिए, वैसे ना 9 दिन तक अलग अलग भोग लगाने का विधान है। मैया जी के लिए भोग मैंने बना दिया है, अपने लिए थोड़ी देर में बनाएंगे। इसी के साथ ही आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।